चेंज करते हैं। बोर्ड के तीनों बटन ख़राब हो गए, आज हम बताते हैं कि बोर्ड के बटन कैसे चेंज किए जाते हैं। तीनों लाइनें जो मिल रही हैं ना, ये फेज़ है। दोबारा बता दूँ, ये तीनों बटनों की जो एक पॉइंट मिल रहा है ना, ये मेन फेज़ है। सबसे पहले इसको निकालेंगे ताकि हम सेफ्टी की तरफ चले जाएं। फेज़ हमने अलग कर लिया, ठीक है। बाकी ये हाफ़ हैं, ये एक हाफ़ आ गई, ये दूसरी आ गई, ये सॉकेट की तीसरी हाफ़ है। दूसरी निकल गई, ये तीसरी निकल गई। तीनों हाफे निकल गए। अब हमारे पास ये खुला एरिया है, हम इसको निकाल के स्विचेस चेंज कर सकते हैं। हम नए बटन लगाएंगे इसमें डायरेक्शन देख के। जैसे सॉकेट में मोनोग्राम यहाँ बना हुआ है, इसका मोनोग्राम ये रहा, इसको ऐसे ही सीधा रखेंगे।
तरह से फेस सब में कॉमन जाएगा। सेंटर वाला टाइट नहीं करेंगे, सेंटर वाले में मेन फेस लगाना है, दोनों कॉर्नर वाले टाइट कर दिए। ये लगाने के बाद सबसे पहले हाफ से लगाएंगे, फेस को मर्ज करने के बाद सबसे पहले हाफ से लगाएंगे। अच्छा, आपने ये वाला जो है बीच वाला टाइट नहीं किया है? बीच वाला टाइट नहीं करा, क्योंकि बीच वाले में मेन पावर जिसमें आ रही है वो लगाएंगे ना आखिर में। अगर पहले लगा देंगे तो फिर हम काम नहीं कर सकेंगे, हाथ लगाएंगे तो करंट लगेगा, इसलिए ढीला रखना है। हाँ, पहले हम हाथ पे लगा देंगे सारी, ठीक है ना, उसके बाद फिर आखिर में हम जो है ना वो पावर लगाएंगे। दूसरी हाफ आ गई, ये तीसरी हाफ आ गई, हाफ लग गई हमारी। तीसरी हाफ किया, कोशिश ये करना है इसमें लूजिंग ना रहे, अच्छे से टाइट करके लगाना है। तो लूजिंग होगी तो स्पार्क करेगा, स्पार्क के बाद दोबारा करा देगा। अब ये जो हमने लूज छोड़ा हुआ था बाद आखिर में हमने फेस लगाना, फेस की लाइन लग गई, उसको हमने टाइट कर लिया। ये हमारे तीनों बटन जी, बोर्ड के जो स्क्रूज हमने खोले थे वो हम दोबारा लगा देते हैं। और ये चौथा, उसके बाद हमें चेक करना है कि ये लाइटें सही काम कर रही हैं कि नहीं, बटन सही काम कर रहे हैं या नहीं। उसके लिए तीसरा सॉकेट से साथ, इसी के साथ साथ आज का आप लोगों का ट्यूटोरियल बटन चेंज करने का खत्म हुआ।